हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू। एंड दिवाली के दिन हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं एंड आई थिंक यू टाइम जाता है, वी कैन नॉट कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम। क्या क्या सोचते हैं, मैंने भी बहुत प्लानिंग करी थी। घर का कुछ सेटिंग चेंज करनी थी और डेकोरेशंस जो मैं कल लेके आई थी वो सब करना था, रंगोली बनाना था, मेहंदी लगानी थी विच इज़ नाउ नॉट पॉसिबल विद द बेबी। और सुबह सुबह मनीष हैड सम वर्क एंड ही हैड टू लीव, आई वॉज ऑल अलोन विद द बेबी। एंड यू नो वॉट, गेस वॉट, जो फर्स्ट नैप होता है उसका मॉर्निंग का, वो उसने नहीं किया, ही स्किप्ड इट। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम क्रैंकी और बहुत सब कुछ हो गया। तो फाइनली इट्स 2:30, जस्ट टुक अ बाथ एंड आई गॉट रेडी। अब मैं फटाफट से रंगोली बनाती हूँ एंड ऑब्वियसली आई डोंट हैव मच टाइम बिकॉज ही कैन गेट अप एनी टाइम एंड देन आई हैव टू ऑब्वियसली लुक आफ्टर हिम। तो रंगोली बनाना है, घर का थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करना है और आपके साथ शेयर करना है कि हाउ दिस टाइम आई डेकोरेटेड माई लिविंग रूम एंड माई हाउस। So today I am also going to come. Yeah, Delisha is gonna help me. She helps me a lot with Ivan and for with everything else. So चलिए चलते हैं फटाफट, दिवाली का दिन स्टार्ट करते हैं। एंड इवनिंग में वी हैव टू गो टू माई इन लॉज प्लेस एज वेल बिकॉज हम वहाँ जाके पूजा होती है, तो हम वहाँ पूछते हैं। तो मनीष विल नॉट बी कमिंग टू पिक अस, आई थिंक आई विल बी ड्राइविंग अलोन विद द किड्स और मे बी टेक अ कैब। सो लेट्स सी हाउ द डे गोज एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्विकली लेट्स स्टार्ट अरेंजिंग थिंग्स। सो दीज आर द रंगोली कलर्स फ्रॉम लास्ट ईयर और ये कुछ न्यू बॉटल्स हैं, इस बार मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। और ये स्टेंसिल्स भी मेरे पास लास्ट ईयर से ही रखा हुआ है, लास्ट टू लास्ट ईयर इन फैक्ट। सो लेट अस सी व्हाट वी कैन क्रिएट। आई रियली लाइक टू मेक रंगोली ऑन दिवाली और मैं काफ़ी बड़ी रंगोली बनाने की कोशिश करती हूँ, बट इस साल मेरे पास टाइम भी कम है, इवान सो रहा है, सिर्फ उतना ही टाइम है, तो इसलिए मैं बहुत ही ईजी मेथड से रंगोली बनाऊंगी यूजिंग स्टेंसिल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बस छन्नी की मदद से एक बैकग्राउंड सा क्रिएट कर सकते हैं आप, जिससे कि एक बहुत बेस कलर हो जाता है एंड देन स्टेंसिल्स से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। सो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक, एक बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाई है एंड दिस इज़ डेलिशाज रंगोली। इट्स दिवाली, स्टिल मेरा घर देखो किस हालत में है, जल्दी से ये सब रीअरेंज करना है। किड्स के साथ यू नो थिंग्स आर रियली डिफ़िकल्ट, सो क्विकली रीअरेंजिंग द सेंटर टेबल विथ द स्कॉप बॉटल एंड फ्यू थिंग्स। सो आई गॉट दीज यस्टरडे एंड इसको मैंने इस तरह से सोफे के पीछे डेकोरेट किया है। And this is my little corner with all the candles. I've decorated my bedroom in only black, white and grey color. So these are the beautiful curtains, cotton linen curtains and
and this is the bed which we have put it down for Ivan to play. Happy Diwali. Finally, whatever we could do, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लिया है. अब ये छोटा सरकार उठ गया है और हम अब कुछ नहीं कर सकते. हम बस रेडी होंगे और चलते हैं. लेट मी सी, आई विल ड्राइव आफ्टर 3 months और वो भी इस किडो के साथ अकेले. I'm wearing this blouse which is kind of really heavy, have a lot of work. And this is again mixed matched. This is not its blouse. So today for the first time, मैंने अकेले कार चलाई. Ivan is in the car seat and Delisha is with him. Delisha ने बहुत help किया. Finally हम घर आ चुके हैं. तो अब बस मैं ऊपर जाती हूँ, पूजा की तैयारी करते हैं और आगे दिखाती हूँ आपको कि दिवाली कैसे celebrate करें. हम सब ने दिवाली पूजन कर लिया है. ये घर सा जो है, इसको हटरी बोलते हैं. हर साल हम इसी में पूजा करते हैं. और इस पूजन के बाद बच्चों ने अपने सारे फैंसी क्लोथ्स हटा के कंफर्ट क्लोथ्स में आके अब बस क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे हैं ये लोग. ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत. ये रंगोली भाभी ने बनाई है. सो दिवाली वेल स्पेंट. वी केम बैक एट 11 एंड बहुत लेट हो गया था. ही वॉज़ वेरी स्लीपी. अच्छे से दोनों को सुला दिया है. दोनों बच्चे सो गए हैं. एंड आई एम एडिटिंग अ लिटिल बिट फॉर दिस व्लॉग टुडे. एंड आई होप यू आर लाइकिंग दीज व्लॉग्स. इट्स रियली ग्रेट टू शेयर समथिंग विथ यू ऑल. एंड डोंट मिस टुमारोज व्लॉग बिकॉज इट विल बी गन अ वेरी स्पेशल राजस्थानी व्लॉग. यहाँ पे दिवाली से ज़्यादा गोवर्धन पूजा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है. टुमारो इज़ गोना बी अ हेक्टिक डे टू. सो आई विल टेक सम रेस्ट. सी यू देन टुमारो. डोंट फॉरगेट टू वॉच द व्लॉग. साइनिंग ऑफ फन. टेक केयर. बाय बाय.